मैडम आज आपने क्या क्या किया है? देखिए इस टाइम मैं जहाँ खड़ी हूँ, जीटी रोड है ये, और आप ये समझिए सहारनपुर अड्डे से लेकर के माया पैलेस तक हम जा रहे हैं, रामपुरी साइड से पूरा नाला साफ हो रहा है। आप ये देखिए पूरे स्लैब हटा हटा करके किस तरह से जैसे भी बड़ी मशीन हमारी नालों को साफ कर रही है, तलीझाड़ नाले साफ हो रहे हैं। इसके बाद हम 30 वार्ड में भी देख कर वहाँ हमारी पूरी जो है मैनुअली यहाँ पर भी लगी हुई है मैनुअली टीम, और वहाँ भी लगी हुई है वार्ड 38 में गए थे वहाँ पर भी लगी हुई है। अब आप ये देखिए बिल्कुल हमारे जो है पूरा की पूरी टीम जो है, ये नहीं कि लॉकडाउन है या ये है तो यह कुछ नहीं है, हमें कार्य से मतलब है, कार्य पूरा हो रहा है, हमको ये नहीं देख रहे कि लॉकडाउन है तो काम ना हो, काम बखूबी चल रहा है। लाइट वाले अपने लाइट वाले का काम कर रहे हैं, तली झाड़ नाले साफ हो रहे हैं, जैसी मशीन से कछुआ मशीन लगी हुई है सलीम के वार्ड में, वहाँ पर तली झाड़ नाले साफ हो रहे हैं, मैनुअली आदमी भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो है कार्य हमारा पूरा हो रहा है, क्योंकि हमें जो है ये मैंने हमेशा बताती हूँ कि मैं तली झाड़ नाले साफ कराने में इसलिए लगी हूँ कि जल भराव की समस्या ना हो। हम मूल कारण तक जा रहे हैं, टेल से हेड की तरफ साफ करते हैं, जहाँ जहाँ तक भी ध्यान भी नहीं जाता है मैं वहाँ वहाँ भी जा करके हम लोग पूरी टीम हमारी जा रही है और हम उसको साफ कर रहे हैं। तो हम जहाँ तक है पूरा निजात पा जाएंगे कि हम जो है जल भराव की समस्या जब होती है ये, और ये कहना कि ये जो है पानी भर गया ये भर गया, मैं तो ये कहती हूँ कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो इसलिए जो है अपने काम करते जा रहे हैं, जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है क्योंकि कार्य हो रहा है, जनता ऐसे सहयोग नहीं करेगी, कार्य कर रहे हैं तो जनता सहयोग कर रही है, और जनता के सहयोग के बिना भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए तली झाड़ नाले साफ हो रहे होंगे और आगे तक होते रहेंगे, पूरी योजना हमारे दिमाग में है, चलती रहेगी योजना, रुकेगी नहीं।